Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe. So, आज मैं आपको बताऊंगी कैबिन क्रू इंटरव्यू का लोकेशन और कहाँ पे कैसे होते हैं, उसका क्राइटेरियन, एवरीथिंग अबाउट द कैबिन क्रू इंटरव्यू. जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि वॉक इन है या अप्लाई करके जाना है आपको. लॉट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि कैसे पता चलता है कि कौन सी साइट होती है, बट फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट इट, तो उनके लिए आई मेक श्योर ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो आपको मैं फॉर एग्जांपल आपको एयर इंडिया के इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ. तो जब आप एयर इंडिया के इंटरव्यू के लिए पेज पे जाते हो तो वो पेज का जो साइट है वो है www.airindia.com. तो आप वो जब साइट खोलते हो तो आपको ये ऐसे पेज खुल जाता है. आपको नीचे जाना है, एकदम नीचे, एंड इसमें एक ऑप्शन आता है करियर का. आप करियर्स के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपका ये पेज खुल जाता है. इसमें सब कुछ लिखा है कौन कौन सा, जैसे पायलट का है, कैबिन क्रू का है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट का आ जाता है. तो आई टॉक अबाउट कैबिन क्रू. तो आप जब व्यू ओपनिंग करते हो, आज भी एक इंटरव्यू था. आई एम रियली सॉरी गाइज, बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ बताने में. तो जो कोई बात नहीं, जिनका आज मिस हो गया है, दिल्ली में एक और इंटरव्यू है जो है 31 जुलाई को, आप तब जा सकते हो. जो बाहर है दिल्ली के, बॉम्बे में है, उनका बॉम्बे में आपका जो इंटरव्यू है वो 28 जुलाई को है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. जब आप ये क्लिक करते हो तो इसमें ये पेज खुल जाता है पूरा डिटेल्स का. तो आपका इसमें लिखा है कि 31 जुलाई को है इंटरव्यू, 9:30 AM से स्टार्ट है इंटरव्यू. और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब लिखा है. आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एंड मेक श्योर आप उसका कॉपी भी लेके जाओ, कॉपी कैरी करो. कभी कभी मांग लेते हैं आपसे. और हमेशा याद रखना, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो हमेशा होनी चाहिए. मतलब उसकी कॉपीज रख लेना, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपको रखनी है, बट पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत ज़रूरी है. तो वो लेके जाना है आपको. एंड जब आप जाते हो वहाँ पे तो वो आपको प्रोसीजर वाइज वो बुलाते हैं और वो सब राउंड होते हैं आपके. तो पहला यही होता है. तो इसमें आपको टाइमिंग और लोकेशन वगैरह सब दिख जाती है. और इसमें आपका जो फॉर फीमेल ये इंटरव्यू है, मेल्स के लिए अभी नहीं एयर इंडिया हायर कर रहा है. मेल्स जो हैं वो लोग दूसरी एयरलाइन देख सकते हैं, जैसे स्पाइसजेट हो गया, विस्तारा हो गया, और कुछ एयरलाइन है जिनका बेस दिल्ली होता है, लाइक फॉरेन एयरलाइन, जैसे एतिहाद हो गया, लुफ्तानजा हो गया, फ्यू ऑफ द एयरलाइन जो जिनका बेस यहाँ पर, स्विज हो गया, और भी बहुत सारी एयरलाइन है जिनका बेस था दिल्ली. जो आप रीजनल फ्लाइंग करते हो यहाँ से, तो वो आप चेक कर सकते हो उनके करियर पेज पे, सेम ऐसे. सो आपका जो क्राइटेरिया है फॉर फीमेल है, ये आपका 18 से 27 ईयर्स के होने चाहिए आप, अगर आप फ्रेशर हो तो. इनकेस अगर आप एक्सपीरियंस क्रू हो तो आप 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. एंड देन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है फॉर फ्रेशर्स, इट इज़ 12th और फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी हुआ पास, आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए. एंड आपका BMI जो है वो 18 से 22 होना चाहिए. एंड जो आपके, देखो आप फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में. एंड मेक श्योर यू आर वेल ग्रूम्ड. अगर आपने टैटू बनवा रखा है तो वो भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए. जो भी आप कॉस्ट्यूम पहनोगे उसमें आपका टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए, और यूनिफॉर्म में भी नहीं होना चाहिए. जब सिलेक्ट हो जाते हो और बाद में आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो उसमें भी आपका टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए. प्लस आपकी जो विजन है वो 6x6 होनी चाहिए, इसमें ये लिखा है. सो अटायर ऑन द डे, आपको वेस्टर्न फॉर्मल्स पहनने उस दिन. आपको अपडेटेड CV लेकर जाना है, प्लस आपको जो मैंने बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आप फोटोग्राफ कैरी कर सकते हो, उसकी कॉपी कैरी कर सकते हो, और पासपोर्ट ज़रूरी है इसके लिए, तो पासपोर्ट भी कैरी करना होगा आपको. तो बिकॉज आपको नहीं पता कौन से फ्लीट के ट्रेन हो गए, बट देन पासपोर्ट ज़रूरी होता है. चाहे आप 320 के लिए हो या 777 या 787, सब बाहर ट्रैवल कर, मतलब फॉरन जाती है. 320 में दुबई होता है, एंड सिंगापुर वगैरह भी होती है उसमें फ्लाइट. तो आप 787 पे भी है सारे यूरोप सेक्टर्स एंड
मिडल ईस्ट सेक्टर्स तो आपको चाहिए होता है. 777 गोज टू कैनेडा और US एंड दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड दुबई ऑल्सो. सो आपको ज़रूरी होता है इसके लिए पासपोर्ट. विदाउट पासपोर्ट नहीं हो सकता. आपको पासपोर्ट ज़रूरी है इसके लिए. सो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह लिखी है. यू कैन गो थ्रू इट. आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपकी. देन आपको ना यहाँ पे अप्लाई नाउ कर सकते हो आप. तो आपका ये एक लॉगिन पेज हो जाएगा ताकि आपको अपडेट्स भी आते रहेंगे इसमें. सो गाइज आप ऐसे चेक कर सकते हो. सो आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा. वॉक इन डेट पता चल जाएगी. देन टाइम, लोकेशन, क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है. बाकी आप इस पे पेज पर जाके भी एक बार दोबारा चेक कर सकते हो. सो सब एयरलाइन के अलग अलग क्राइटेरिया होता है. जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी एयरलाइन को, जैसे स्पाइसजेट हो गया तो उसके, या विस्तारा हो गया तो उसके विस्तारा के पेज पर जा सकते हो आप. विस्तारा कैबिन क्रू भी इंटरव्यू आप टाइप करते हो गूगल पर, तब भी आ जाता है. या फिर उनका करियर पेज पर जाकर चेक कर सकते हो आप. सो बेसिकली एयर इंडिया के अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं. आप बिल्कुल 31st को जाओ. एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट. एंड इन केस अगर कोई भी फ्लीट मिलती है, डोंट गेट डिसहार्टन. आप लोग बिल्कुल ट्रेन हो गए सब फ्लीट्स पे. और मुझे, आप लोग को कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दें. एंड आई विल मेक श्योर आई विल रिप्लाई टू एवरीबॉडी. या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरी इंस्टाग्राम आई डी है sushmitakohli97. आप वहाँ पे भी मुझे DM कर सकते हो. एंड आई विल डू रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस एंड DMs. सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द कैबिन क्रू इंटरव्यूज ओनली. एंड गुड लक गाइज. बाय बाय.